पूरे देश भर में लॉकडाउन जारी है। 17 मई तक सरकार की ओर से यह घोषणा की गई थी भारत सरकार गृह मंत्रालय की ओर से कि पूरे देश में लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन इस लॉकडाउन में आप देख सकते हैं कि यह जो आप देख रहे हैं, यह सारी भीड़ जो देख रहे हैं वो किसी सब्जी मंडी की नहीं है, ना ही किसी बाज़ार का दृश्य है। यह है भागलपुर का जिला शिक्षा विभाग का कार्यालय, जहाँ पर शिक्षकों की भीड़ लगी हुई है। और पिछले 2.5 महीने से जो हड़ताल पर चल रहे थे जो शिक्षक, उन वो हड़ताल बीती रात समाप्त हुई। सरकार के प्रतिनिधि और शिक्षक संघ के प्रतिनिधि के बीच जो बैठक हुई, उसके बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया गया सभी शिक्षकों को कि मंगलवार को सभी को ज्वाइन करने के लिए आदेश दिया गया। हालांकि इसको लेकर के शिक्षक संघ के जो भी पदाधिकारी थे, उनका यह साफ कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से ज्वाइनिंग कराई जाए, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल ऐसा भागलपुर में कुछ होता दिख नहीं रहा है, जिसको लेकर शिक्षकों में भी काफ़ी आक्रोश देखा गया। और सभी शिक्षक इस बात से भयभीत हैं कि ज्वाइन तो करने ये आ गए, लेकिन अब कोरोना जैसी महामारी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या इस तरह की भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग कायम का जिस तरीके से धज्जियां उड़ रही है, तो क्या लोग कोरोना से सुरक्षित रह सकेंगे? आखिर सभी शिक्षकों में यह आशंका है कि अगर इसमें से एक भी शिक्षक अगर कोरोना से ग्रसित होते हैं तो सभी शिक्षक और यहाँ पर काम करने वाले जो है अधिकारी या कर्मचारी हैं, सभी इसके चपेट में आ सकते हैं। तो इस बातों का ख्याल रखना सरकार के लिए और जिला प्रशासन के लिए भी आवश्यक था, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता यहाँ दिख नहीं रहा है, जिससे कि लोग लगातार यहाँ पर शिक्षक लगातार आक्रोशित भी हैं और डरे सहमे से हैं कि कोरोना वायरस का जिस तरीके से खतरा लगातार देश भर में बढ़ रहा है, बिहार में भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर से भी अब छात्र और मजदूर जब भागलपुर आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए भी लोगों में यह आशंका गहरा रही थी लगातार कि कोरोना वायरस के मामले में पता नहीं और कितनी वृद्धि हो। लेकिन इस तरह की जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है सरकार के निर्देश के अनुसार, तो क्या यह कितना सही है? और सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार लगातार लोगों से अपील करती रही है, सरकार के द्वारा लगातार यह व्यवस्था की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, जिससे कि कोरोना जैसी महामारी से हम सभी मिलकर लड़ सकें और इस पर काबू पा सकें। तो लेकिन इसके बावजूद जो है सरकार द्वारा यह आदेश दिया जाना या जिला शिक्षा विभाग द्वारा यह आदेश दिया जाना कि 100 शरीर शिक्षकों को आकर के ही ज्वाइन करना होगा, यह कितना तर्कसंगत है यह तो समय बताएगा। लेकिन इसके शिक्षक लगातार इसको लेकर भयभीत और परेशान हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए शिक्षकों का यह परामर्श था और जो भी संघ के जो भी अधिकारी थे उनका भी यह कहना था कि व्हाट्सएप के माध्यम से ज्वाइन कराया जाए, लेकिन फिलहाल भागलपुर में ऐसा होता दिख नहीं रहा है, जिसके कारण लोग काफ़ी आशंका से ग्रसित हैं। कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ रविशंकर सिन्हा, सिल्क टीवी, भागलपुर। 4/5/2020 को माध्यमिक शिक्षक संघ बिहार श्री केदारनाथ पांडे अध्यक्ष जी के द्वारा और बिहार के उप शिक्षा सचिव श्री आर के महाजन के बीच, जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके बीच वार्ता हुई, हड़ताल स्थगित हुआ और योगदान संबंधी लेटर निकाला गया कि योगदान कैसे किया जाएगा। योगदान करने से संबंधित बाकायदा उसमें उल्लेख किया गया हमारे संघ के अध्यक्ष श्री केदारनाथ पांडे जी के द्वारा, उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा था कोविड-19 की महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करने हेतु और उसको सफल बनाने हेतु बिहार में कोविड-19 के को सफल बनाने हेतु सोशल डिस्टेंस को सफल बनाने हेतु व्हाट्सएप के माध्यम से प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन प्रेषित किया जाए और ये समझा जाए कि संबंधित शिक्षकों ने योगदान दे दिया। लेकिन हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, खास करके भागलपुर के डीओ कार्यालय के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर हैं, उन्होंने पूर्व के लेटर के आलोक में एक लेटर निकाल दिया कि सभी माध्यमिक शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग भागलपुर प्रभाग में एप्लीकेशन के साथ आकर ही योगदान करना होगा, 100 शरीर उपस्थित होकर। हमारे भागलपुर जिला में माध्यमिक शिक्षकों की संख्या तकरीबन 950 से 1100 के बीच है अभी, जिसके परिणाम स्वरूप
आप लोगों ने सर देखा कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, और यहाँ ऐसा लग रहा है यह सफल तो नहीं है, लेकिन कोई सुरक्षित रहेगा बीच में या ना रहेगा ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। प्रारंभिक शिक्षकों के लिए भी यही बात कही गई थी कि वो प्रारंभिक शिक्षक संबंधित प्रधानाचार्य को व्हाट्सएप के माध्यम से एप्लीकेशन के द्वारा प्रेषित करके योगदान देंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रारंभिक शिक्षक जो हैं वो BRC में जाके योगदान करेंगे। शिक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी को पहले से ही एक लेटर ऐसा निकाल देना चाहिए कि सभी प्रधानाध्यापक अपने स्कूल की शिक्षक शिक्षिकाओं का, एक विद्यालय में सर कम से कम 25-30 टीचर हैं, तो सभी शिक्षकों का योगदान लेके और उस स्कूल के प्रधान को आके यहाँ स्थापना में जमा करना चाहिए। इससे होता क्या कि एक विद्यालय से एक टीचर आया, ऐसे एक विद्यालय से 25-30-40 आ रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ परेशानी हो रही है। यहाँ पे किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई है सोशल डिस्टेंस बनाने का, यहाँ पे सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ गई है सर। हम लोग इतना दिन से 40 दिन से 42 दिन से लॉकडाउन में थे और यहाँ आके हम लोग परेशान हो गए।